में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। देहरादून, वह फूलों से सजे ताबूत में रखे अपने शहीद पति को देर तक निहारती रही। आंखों के आंसू सूख चुके थे, अभी पिछले साल ही तो उनकी शादी हुई थी। क्या क्या सपने संजोए थे, पर पति की कुर्बानी पर गर्व हो रहा था। हाथ से पति को छू भी रही थी, बार बार ताबूत को छू रही थी वो। शायद दिल ही दिल में कुछ कह रही थी। उन्हें पता था कि उनके पति देश पर अपना सर्वस्व कुर्बान कर अंतिम सफर पर जा चुके हैं, पर उनके कान में वह आई लव यू बोल पति पत्नी के प्यार को भी जता रही थी। यह मंजर बड़ा ही हृदय विदारक था। पत्नी ने अपने शहीद पति को उसी तरह विदाई दी जैसे एक वीर को दी जाती है। घर के आंगन में रखे शहीद मेजर विभूति के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने जब पत्नी निकिता पहुंची तो बेसुध हो गई। परिवार के लोग किसी तरह वहां तक लेकर आए। निकिता अपना माथा रख कर रोने लगी। वह बार बार बोल रही थी, विभूति कहां चले गए। परिजनों ने ढाड़स बढ़ाया, समझाया कि विभूति अब देश का हीरो बन गया है, लेकिन पत्नी चाहकर भी खुद को विभूति से जुदा करने को तैयार नहीं थी। शहीद मेजर विभूति की माँ को जब से पता चला है कि बेटा शहीद हो गया तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका रोना देखकर आसपास खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गई। बुजुर्ग दादी श्रद्धांजलि देने आई तो कुछ समझ ही नहीं पाई। जब उन्हें बताया कि उनका पोता शहीद हो गया है तो वह मायूस हो गई। शाम को जैसे ही शहीद मेजर विभूति का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान एक युवती अचानक इतनी दुखी हो गई कि वह जोर जोर से रोने लगी, खुद को संभाल नहीं पाई, थोड़ी देर में बेसुध हो गई। बाद में उसे शहीद के पार्थिव शरीर के पास ले जाया गया तो वह कुछ शांत हुई। शहीद मेजर विभूति ढोंडियाला भगवान हनुमान के परम भक्त थे। वह हर मंगलवार को व्रत रखते थे। उनके दोस्त अफसोस जता रहे हैं कि जिस दिन व्रत रखते थे उसी दिन उनका अंतिम संस्कार होगा। शहीद मेजर विभूति की पत्नी ने माथा चूम आई लव यू बोल दी विदाई। कश्मीर विस्थापित फैमिली से है पत्नी। कश्मीर ने ही पति को छीना। पैतृक आवास पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद, जैश कमांडर भी ढेर। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।